शत्रुता का सहार करने के लिए संपुट युक्त गायत्री मंत्र की साधना कैसे की जाए उसके साथ ही जाने भूत बाधा की शांति के लिए संपुट युक्त गायत्री मंत्र का क्या विधान है या क्या उपाय गुरुदेव ने बताए हुए हैं कई बार हमारे साथ कारण ही लोगों की शत्रुता हो जाती है ना चाहते हुए भी लोग हमसे शत्रुता करते हैं, तो इसके निवारण के लिए द्वेष कलह मुकदमा बाजी मनमुटाव को दूर करना और अत्याचारी अन्यायी अकारण आक्रमण करने वाली मनोवृत्ति का संहार करना आत्मा तथा समाज में शांति रखने के लिए आपको गायत्री मंत्र के साथ क्लीम बीज मंत्र का चार बार संपुट लगाकर जाप करना चाहिए गायत्री दो गायत्री मंत्र के बीच में चार बार क्लीम बीज मंत्र को लगाना चाहिए जैसे ओम भूर भुव स्व तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नहा प्रचोदयात क्लीम 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 उसके बाद फिर गायत्री मंत्र का जाप करें इस तरह से आपको जाप करना है मंत्र का जाप आपको रक्त चंदन की माला से पश्चिमांमुख होकर बैठकर करना चाहिए जब काल में सिर पर आपको यज्ञ की भस्म का तिलक लगाना है और ऊन का आसन बिछाना चाहिए लाल वस्त्रों को पहनना चाहिए सिर आरूण सिंह पर जो माँ आरूण हो गायत्री माँ खड्ग हस्त विकराल वतना दुर्गा वेशधारी गायत्री माँ का आपको ध्यान करते हुए जाप करना है जिन व्यक्तियों का द्वेष दुर्भाव निवारण करना हो उनका नाम आपको पीपल के पत्ते पर रक्त चंदन की स्याही और अनार की कलम द्वारा लिखना चाहिए इस पत्ते को उल्टा रखकर प्रत्येक मंत्र के बाद जल पात्र में से एक छोटी चमची जल भर के उस पत्ते पर आपको डालना है जितनी बार मंत्र करें उतनी बार ही एक चमची जल उस पीपल के पत्ते को उल्टा करके रख के उसके ऊपर डालना है इस प्रकार 108 मंत्र आपको नित्य जपने हैं। इससे शत्रु के स्वभाव का परिवर्तन होता है और उसकी द्वेष करने वाली सामर्थ घट जाती है और धीरे धीरे शत्रुता का नाश होने लगता है अब जानते हैं कि भूत बाधा की शांति के लिए क्या उपाय है कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों से सांसारिक विकृतियों तथा प्रेत आत्माओं के कोप से कई बार भूत बाधा के उपद्रव होने लगते हैं। कोई व्यक्ति उन्मादियों जैसी चेष्टा करने लगता है उसके मस्तिष्क पर कोई दूसरी आत्मा का आधिपत्य दृष्टिगोचर होता है इसके अतिरिक्त कोई मनुष्य या पशु ऐसी विचित्र दशा का रोगी होता है जैसा कि साधारण रोगों में नहीं होता है भयानक आकृतियां दिखाई पड़ना अदृश्य मनुष्यों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का देखा जाना भूत बाधा के लक्षण होते हैं इसके लिए गायत्री हवन सर्वश्रेष्ठ है सतोगुड़ी हवन सामग्री से विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए गायत्री मंत्र का जाप करते हुए और रोगी को उसके निकट बिठा लेना चाहिए हवन की अग्नि में तपाया हुए जल रोगी को पिलाना चाहिए बुझी हुई जो यज्ञ की भस्म है उसको सुरक्षित रख लेना चाहिए किसी रोगी को अचानक भूत बाधा हो तो उस यज्ञ भस्म को उसके हृदय ग्रीवा मस्तक नेत्र कर्ण मुख नासिका आदि पर लगाना चाहिए इस तरह से आप गायत्री मंत्र का मार्जन भी उसको दे सकते हैं यानी कि गायत्री मंत्र पढ़कर उसके शरीर पर पानी को छिड़के इससे भी भूत बाधा शांत होगी तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को धन्यवाद